ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग लेके आए हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिमाग में इंटेंशंस क्या हैं उनकी इस रिश्ते में, जानने की कोशिश करेंगे उनकी इंटरनल फीलिंग्स, इंटेंशंस, और क्या वो इस रिश्ते में कुछ एक्शन लेंगे या नहीं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना कुछ जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है अभी परफेक्ट है। एनीवेज, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और आई होप आपको इसका इंतज़ार होगा। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है और बिल्कुल लाइटली इस रीडिंग को देखना है। कुछ चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे बिल्कुल मैच नहीं कर सकती हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप चाहें अगर आप इंटरेस्टेड हों व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना डायरेक्ट, मेरे आंसर का वेट करना, मैं ही रिस्पॉन्ड करूँगी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रीडिंग आप सन एंड मून साइन जिससे भी आप कर सकते हैं, इवन कहीं नाम राशि के अकॉर्डिंग भी मैच करती हैं उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, चलिए। सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर के माइंड में अंदरूनी फीलिंग्स क्या हैं, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, सब जानने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते को लेके उनका इंटेंट क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनके दूर तक है उनके दिमाग में, और दूसरा कि या वो कोई आपकी तरफ एक्शन लेंगे या शांत होकर ही बैठे रहेंगे या चुप रहेंगे, क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड निकालते हैं, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स। देखिए टॉरस, रीडिंग बहुत अच्छी आई है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, और जो वो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। अगर मैं आपको बताऊं ढंग से, कहीं ना कहीं उनके मन में जो आपके लिए एक इमेज है कि आप एक फैमिली पर्सन हैं, आपके साथ उनकी फैमिली है, आप के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है कि आप अगर चाहेंगे तो इस रिश्ते को किसी भी तरह से संभाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनके लिए तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। आप इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, आपकी लाइफ इतनी में इतनी ग्रोथ है, आप इतने रिसोर्सफुल हैं, इतने लविंग और केयरिंग हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबकॉन्शियस माइंड में जो उनकी चीज़ें चल रही हैं या जो उनकी फीलिंग्स में है वो ये है कि मैं टॉरस को बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, टॉरस मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं टॉरस को बहुत प्यार करती हूँ। मतलब ये बोथ फेज लव है। जो नेगेटिव चीज़ मुझे इन पाँचों कार्ड्स में नज़र आई है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, और वो चीज़ ये कहती है कि आपने उनकी तरफ एक ऐसा रुख अपना रखा है कि आप दोनों ने इस रिश्ते में बहुत अच्छा किया, एक दूसरे के साथ बहुत सही रहे, लेकिन जो ये आपने उनकी तरफ तलवार उठाई है, जो आपने उनको एक कटाक्ष बोलना शुरू करा है, मतलब कि इस तरीके के कड़वे शब्द बोलने शुरू किए हैं या उनकी तरफ जो कड़वे एक्शंस लिए हैं, ये उन्हें नागवार है। कहने का मतलब है ये उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बहुत हैरान हैं, परेशान हैं कि टॉरस अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब उसके लिए जीतना इतना ज़रूरी हो गया, चाहे वो तोड़ने में हो चाहे वो बनाने में हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। आप अपनी हदें पार कर रहे हैं बेसिकली उनके अकॉर्डिंग। आप उन्हें चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप हर वो चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जिस मुकाम पे आप अभी पहुंच गए हैं आप वहां से डाउन साइड जा रहे हैं, अब आप गिर रहे हैं उनकी नज़रों में, या कुछ ऐसी बातें ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहाँ पर जो एक इमेज उनकी मन में आपके लिए है, जो ये है कि आप हर वक्त रिश्ते को संभालेंगे, वहाँ से उन्हें ऐसा लगता है आप उसी तलवार को लेके इस रिश्ते की जड़ें काट रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है उनको। आइए देखते हैं
क्या है उनकी इंटेंट इस रिश्ते को लेके। हैंडमैन, पेज ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जब कोई इंसान सामने वाला, याद रखिएगा, जब भी एक रिलेशनशिप में एक इंसान जड़ें काटने लग जाए या बहुत सख्त हो जाए, मैं नहीं कह रही कि गलती आपकी है, गलती उसकी है, तो अब आपको पता होगा, तो मेरे को कमेंट करके मत कहना मैम आपने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मैं तो उसके साथ वही किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। अरे मैं ये नहीं बोल रही कि आपने अब उसके साथ जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, गलत और सही का जो डिसीज़न है वो ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है, वो हम सबके कर्मों का हिसाब रखता है, हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। टैरो सिर्फ आपकी रीडिंग्स को पढ़कर बता रहा है पर्सन की कि क्या वो सोच रहा है। इंटेंट वाइज आपका पर्सन ये सोचता है कि ये रिश्ता बोझ हो गया है, इतना प्यार किया, इतना एफर्ट डाला, इतनी मेहनत करी, ये रिश्ता बोझ हो गया। आज जो इंसान इतना प्यार करता था, कहाँ वो टू ऑफ कप्स की फीलिंग में था, उसकी इंटेंट ही नहीं है आपको प्यार दिखाने की, मतलब उसके मन में आपके लिए भव सागर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है प्यार का, लेकिन वो आपको दिखा क्या रहा है, एक छोटा सा लोटा, नहीं देना चाहता वो, अब वो प्यार वो अटक गया। उसने कहा तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे को, भले ही मैं तुम्हारे साथ वही सेम व्यवहार नहीं करूं, भले ही मैं तुम्हें उतना दर्द ना दूं, भले ही मैं तुम्हारे साथ वही सेम चीज़ें ना करूं, लेकिन अपना प्यार का जो लेवल है, जो उसके मन में प्यार था, वो सारा उसने डाउन कर दिया। ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से इंटेंट में, ठीक है। देखते हैं क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ, क्या इसके कुछ एक्शंस दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। टॉरस के लिए उसके पार्टनर के क्या एक्शंस हैं। द सन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। देखिए, वो उसके मन में इंटेंशंस ये हैं कि जितने भी उसके मन में इस रिश्ते को लेके पॉजिटिविटी थी, वो उस पर गिव अप करता नज़र आ रहा है। उसे लगता है कि ठीक है, अगर टॉरस ने मेरे साथ यही व्यवहार करना है, अगर टॉरस को इतने सालों में मैंने उसको, चाहे देखिए आप लोगों की गृहस्थी थी इतने सालों की, चाहे आपका रिश्ता था इतने सालों का, उसे लगता है कि ठीक है भाई, अगर इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इतनी ही बुरी हो गई या इतना ही बुरा हो गया हूँ, तो भाई ठीक है, तुम भी अपने रास्ते जाओ, मैं भी अपने रास्ते जाऊँ, भले ही मैं ये रिश्ता तोड़ूँ नहीं, पर दूर बैठ के तुम्हारे को देख रही हूँ या देख रहा हूँ। सो वो एक तरह से इस रिलेशनशिप में एक डेड एंड तो नहीं ला रहा, बट उस रिलेशनशिप में एक डेथ सी चीज़ों में कर रहा है और अपने लिए आगे बढ़ रहा है। मुझे वो ये नहीं दिख रहा कि वो वापस से आपके पास आने का कोई प्लान बना रहा है। नो, क्लियर नो। ये है आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस, और मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आया, बस जो है उनकी फीलिंग्स ही दिखी हैं वो मैंने आपको बताई। आपको क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं आपको डिवाइन। सो टॉरस राशि के पार्टनर की ये फीलिंग्स देखने के बाद डिवाइन क्या कहते हैं, स्टैंड योर ग्राउंड। तो अगर आपने अपनी कोई बात अब शुरू की है, और अगर आपको लगता है कि यस आई एम राइट, नो मैटर कि दुनिया हिल जाए, मैं सही हूँ, तो आप अपनी बात पर अड़े रहें, और अगर ऐसा नहीं है तो भी सोचिए, ज़रूर सोचिए। बेस चक्र कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, आपके एफर्ट्स को दिखाता है कि वो सही जगह जा रहे हैं, आपकी हेल्थ को भी दिखाता है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान रखें कि आप जेन्युइनली कितने स्टेबल हैं और आप क्या कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ यूनिवर्स। सो जो आप कर रहे हैं यूनिवर्स देख रहा है, जो आप देंगे सो आपको वापस मिलेगा। यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर देगा, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आप बस अपने कर्मा पे चेक रखिए कि कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए आपसे, बस। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग पार्टनर की। अगर आप इससे रेजोनेट करें हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऊपर है। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी। बाय फॉर नाउ।